Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अपनी ही पार्टी में संकट के सामना कर रहे चिराग पासवान ने अब अपनी रणनीति बदलने का संकेत दिए हैं। भाजपा के साथ अपनी पार्टी के रिश्तों पर उनकी सोच अब बदलती दिख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली में राजद के वरिष्ठ नेता ने उनसे मुलाकात की है। इससे पहले राजद के एक विधायक से उनकी मुलाकात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। पार्टी में टूट के बाद अपने पिता की जयंती मनाने और आशीर्वाद यात्रा के लिए बिहार आए चिराग अचानक दिल्ली लौट गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के साथ गठबंधन पर अब चुनाव के वक्त विचार किया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने चिराग से मुलाकात की है। हालांकि रजक ने इस मुलाकात ने व्यक्तिगत बताया है, लेकिन सियासी हलके में इसको लेकर चर्चाएं तेज है। राजद नेता ने शनिवार को दिल्ली में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। इस बीच चिराग के बिहार में अपना कार्यक्रम छोड़कर अचानक दिल्ली पहुंचना और दोनों के बीच मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले ही चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का न्योता भी दे चुके हैं। श्याम रजक ने ट्विटर पर साझा की है तस्वीरें। श्याम रजक ने चिराग के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए बताया कि शनिवार को उनकी नई दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास पर चिराग से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान आदरणीय बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के धर्मपत्नी रीना पासवान से भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं चिराग पासवान। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। उनके ऐसे बयान कुछ दिनों पहले तक आए थे। उन्होंने हमेशा खुद को केंद्र में एनडीए का अनन्य सहयोगी बताया है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में वे भाजपा जदयू वीआईपी हम के गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के साथ हमेशा संबंध बनाए रखने की बात कही। बदले माहौल में उनका ये कहना कि चुनाव के वक्त भाजपा से रिश्ते तय होंगे एक बदलाव का संकेत देता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।